गजोदर भाई साहब क्या कर रहे हैं हुकम? अरे मारी तो नौकरी पे बनाई है। अरे के किया लल्ला ने, बता तो सही मारे को। आज मास्टरनी फिर थाने आई थी, कल गजोदर भाई साहब ने उसका अपहरण कर लिया था। थोड़े लोगों के नाक के नीचे से कोई उस मास्टरनी को उड़ा के ले गया, बेशर्मो, जाके कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को अपनी न्यूज में दिखा सकते हैं? बिल्कुल, इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। भक्त प्रहलाद को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, और जैसे ही उस घमंडी पिता ने उस खंभे पर लात मारी, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और फिर राक्षस हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। मैंने कहा ना कि ये पढ़ाई लिखाई का ड्रामा हमारे सामने नहीं होना चाहिए। बंसल, अगर ये पढ़ाई लिखाई आपको तमाशा लगती है तो भाई साहब अपने बेटे वीर को क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि वीर हमारे खानदान का इकलौता वारिस है, वही है जो हमारे वंश का नाम आगे ले जाएगा। और छोरियों को पढ़ लिख के क्या होता है? तूने पढ़ लिख के क्या कर लिया जो अपनी छोरी को पढ़ाने चली है? पढ़ लिख के तू एक बेटा तक ना दे सकी मने। कुड़िया। हाँ मासा। अब अपने कमरे में जाओ। जी। क्या कह रहे थे आप? मैं आपको बेटा ना दे सकी, बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें पुरुषों की ही भूमिका अहम होती है, और फिर बेटा और बेटी पैदा होना तो मात्र संयोग की बात है। तो बेटा और बेटी में फर्क करना बंद कर दीजिए, ये सारी बातें आपकी अशिक्षित दिमाग की उपज है। आज के जमाने में बेटियां समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर भूमिका निभा रही है। ओए, बंद कर अपनी ये बकवास। ये थारे ज्ञान के पोटले से जो चीजें निकलती है ना, हमारी समझ में नहीं आती। मैंने तो 100 बात की एक बात पता है कि मारे घर की लुगाइयां अपने घर की चौहद्दी से बाहर नहीं जाती, क्योंकि जिन औरतों का पैर अपनी चौहद्दी से बाहर जाता है उनका दिमाग खराब हो जाता है, समझी? तो और धीरे धीरे करके वो बाजार में पहुंचती है और पूरी दुनिया उसे बाजारू औरत कहती है। दूसरों के चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले को पहले अपने अंदर झांककर देख लेना चाहिए। और आपको क्यों लगता है मुझे कुछ नहीं पता कि आप हवेली के बाहर क्या करते हैं? हाँ करता हूँ, एक नहीं दो नहीं 10,000 लाख बार करूंगा, करता रहूंगा। क्या कर लेगी तुम्हारा? भरत हूँ थारा मैं, समझ गई ना? राधा एक बात याद रखना, तू मारी लुकाई है, अगर तूने अपनी सीमा लांघी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं थारा मरत हूँ और तू मारी लुकाई है, और वो दिन बहुत भारी पड़ेगा तने, समझ गई ना? लाडू, जिस बरस में थारा जन्म हुआ था ना, उस बरस पूरे गांव में थारे बापू के खेत में
सबसे अच्छी फसल हुई थी तभी तो थारे बापू ने थारा जन्म बड़ा शुभ माना और बहुत सोच विचार करके थारा नाम प्रगति रखा। हम लोगों ने सोचा कि हमारी बिटिया बड़े होकर खूब पढ़ लिख कर बड़ी सी अफसर बनेगी और अपने नाम को साकार करेगी। जब छोटी थी तो थारे गांव में स्कूल था। लाडो, उस जमाने में ना बहुत ही कम गांव में स्कूल हुआ करते थे, पर हाँ हमारे गांव में ना एक हरिहर काका थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो सारे गांव वाले ना अपनी चिट्ठी पत्री उनसे लिखवाते थे और पढ़वाते थे। पर लाडो, मैं ना बचपन से घर के और खेतों के काम में पढ़ ही ना सकी। समय ने कैसी पलटी खाई, मैं तो अभावों में ना पढ़ सकी। और तू गांव में स्कूल होने के बाद भी ना पढ़ रही, थारे बापू का और मारा सपना तो भवंडर में हो। दुखी ना हो, ये तो थोड़े दिन की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। वो सरपंच साहब मुझे ज्यादा दिन तक स्कूल जाने से नहीं रोक पाएंगे, मैं फिर से स्कूल जाऊंगी माँ। मैं थारा और बापू सा का सपना जरूर पूरा करूंगी माँ, जरूर पूरा करूंगी। मारी लाटो, भगवान करे मैं सही हो। कक्का सा, फसल देख के मन में हरियाली छा जावे। थारे साथ मन ने भी फसल लगाई थी, पर थारे फसल का रुआ भी कुछ और है। मनोहरी काका, मने बताओ ना कि कौन सा जादू करे किसानी में। अरे श्याम, फसल जादू से नहीं, किसान के पसीने से उगे है, ये सब तो भाग का खेल है। अरे वाह बनवारी भाई साहब, फसल तो बहुत अच्छी है, अगर मने बेचो तो आबारी दाम लगा दू। हद करते नंकू सेठ, हमारा दिमाग तो सही है, खड़ी फसल पे दाम ना लगावे, अब सगुन हो गए। अरे माफ करना भाई साहब, मेरे कहने का जे मतलब नहीं था, इतनी अच्छी फसल देखी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ननकू सा, भाग्य से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी ने कुछ ना मिल सके। हमारी किस्मत में जो लिखा है मैं तो बस उसके बारे में सोचूं। काका सा, तो इस बार फसल कटने के बाद मेला जाना तय हुआ। बिरजू, मेला तो जरूर जाऊंगे। अरे मासा के लिए खादी वाली साड़ी लेनी है, लाडो के लिए टिक टिक करने वाली घड़ी लेनी है। मास्टरनी की घड़ी देख के एक दिन लाडो कह रही थी, बापू सा मने भी घोड़े की तरह भागने वाली टिक टिक घड़ी ला दो। अरे मासा और छोरी के लिए तो बता दिया मनवारी, पर भाभी सा के लिए क्या लाओगे ये ना बताया आपने। ननकुसा, जानकी ने तो आज तक कुछ मांगा ही को नहीं, जो फटा पुराना मिला पहन के गुजारा कर दिया। जो रूखा सूखा खाने को मिला उसे खा के संतोष कर दिया। इतने साल हो गए ब्याने, आज तक कुछ नहीं मांगा है। और तो और उसके गहने भी सुनार के पास गिरवी रखे हैं। इस बार फसल अच्छी होगी, पैसे इकट्ठे हो गए, तो सोच रहा हूं कि उसके गहने छुट्टे करवा लूं। ये बात सही सोची कक्का साहब। अरे भाई बनवारी,
सबका बारे में बता दिया पर अपने बारे में नहीं बताया। अरे भाई थारा भी तो कोई अरमान होगा। ननकुसा मारा कोई अरमान को नहीं, घर परिवार खुश रहे बस यही देख के दिल खुश हो जावे। जी बिल्कुल सही कहा कक्का साहब। रानी से भी बोल सकते हो। अरे बेटा अब रानी अगर लिखती तो मैं तने क्यों रोक के कहती कि चिट्ठी लिख दे। लिख दे ठीक है। ये कौन सा बड़ा काम है? देख भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई बड़ो काम नहीं हो है। पर मैं जैसा अंगूठा छाप वहाँ के ताई तो चिट्ठी लिखनो कितनो बड़ो काम हो है जिया रेगिस्तान न पार कर लो। काकी साहब ये सब छोड़ो बताओ लिखना क्या है। लिख 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 दिमाग प्रगति बिजली के जिया चाला भाई मान करे मारी नजर न लग जाए। ताकि सा इसीलिए तो टीचर जी कहती है कि पढ़ना लिखना सबके लिए जरूरी होता है। टीचर जी ने तो आप लोगों के लिए शाम को स्कूल भी खोला था पर आप में से कोई गया ही नहीं। हाँ प्रगति अब तो आप बात मैं भी सोचती हूँ और तो शिक्षा तो बहुत जरूरी है। अब देख ले अगर अबार में पढ़ी लिखी होती तो आज चिट्ठी में खुद ही लिख लेती है। अब तो शिक्षा की बात है बहुत ही। ये तो तूने बहुत बढ़िया बात सुनाई। मैं क्या सबको पढ़ने के लिए ज्ञान दे रही अभी तुम्हारी पढ़ाई भी बंद है। क्या सोच रही है चोरी? कुछ ना काकी सा खेत में बापू से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा देसू तुम्हारो इतना बढ़िया काम कर दियो चाल तू तो तने कुछ मिठाई मिठाई खिलाऊं आज। काकी सा आज नहीं कभी और अभी तो जाने दो अभी देर हो रही है बापू से इंतजार। अच्छा जा अरे बनवारी। हाँ मासा। अरे सूरज सर पे चढ़ आए हो इतनी भूख लगी है ये छोरी खाना लेके अभी तक ना आई। हाँ मासा जान की तो आ रही है पर उसके हाथ में रोटी तो दिखती को नहीं। क्या हो जान की वो खाना क्यों ना लेके आई? ये बात कर रहे हो मासा? छोरी तो बहुत पहले निकली थी बोली लाओ माँ मैं बापू सा और दादी सा का खाना ले जाऊं। अब तक ना आई। जानकी थारे को कितनी बार कहा है कि छोरी को कहीं भी अकेले आने जाने मत दिया कर पर थारे दिमाग में बात ना आवे है। कहीं अकेली जाएगी तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देवेगी। दादी सा मैं आ गई। पर छोरी तू कटी रह गई थी कब की निकली थी? अरे मासा मैं सीधे खेत ही आ रही थी लेकिन रास्ते में वो मंगली काकी ने रोक लिया। कहने लगी कि रवि भैया को चिट्ठी लिख दो तो वही लिखने लगी। पता है उन्होंने मेरा बहुत मान सम्मान किया और मुझे बोल रही थी कि लड्डू खाएगी पर मैंने बोला नहीं उन्हें खेत जाना है। ना, बस बस हो गई थारी बड़ी तारीफ है। चल जल्दी से पेड़ के नीचे जाके रोटी लगा दे।
छांव में बैठ के खाएंगे। चल चल लगा। आजा मासा। बुआ साहब, बापू की हालत ज्यादा खराब है, प्राण कंठ में ही अटके हुए हैं, बार बार बस थाने याद करें, एक ही रट लगाए हैं कि मरने से पहले आपको एक बार देख लें। छोरा छोरा, थारे बापू सा हमारे भाई सा ही ना, बल्कि हमारे माँ बापू सा। जन्मते ही माँ भगवान के घर चली गई, चार बरस की थी, तो बापू सा स्वर्गवास हो गए। बस भाई सा ने ही मन्ने पाल पोस के बड़ा कियो, मारा ब्याह कियो। बड़ा लाड़ रखते थे भाई सा मारे से, अब उनका आखिरी वक्त है, तो मारे को भी उनके साथ होना चाहिए। छानो में पर छोरा, फसल कटने का वक्त है, मैं चली गई तो। मासा, आप चिंता ना करें, यहां तो मैं और जानकी संभाल लेंगे। आप मामा सा के यहां जाने की तैयारी करो। सूर्य निकलने से पहले आपको निकलना होगा, तब जाके कहीं कल रात तक पहुंच पाएंगे। आप यहां की बिल्कुल फिक्र मत। जानकी चल डाल दे दो चार कपड़े मारे, मैं भी मिल के आऊं भाई साहब से। और सुन, मारे पीछे से छोरी का खास ध्यान रखियो, कान पकड़ के रखना इसका, बाहर घूमने मत देना। वापस आऊं तो कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले मन्ने, समझ गई ना? दादी साहब, आप चिंता ना करो, आप निश्चिंत होके जाओ, यहाँ कुछ ऐसा ना होगा। चल जा, रख दे सामान हमारा। सरकारी छुट्टी भी नहीं है और कोई ऐसा दिन भी नहीं है कि जिससे स्कूल बंद हो। ये ताला किसने लगाया? किससे पूछे यार? तरणाम है। अरे आप इस स्कूल के चपरासी हैं? हाँ, मैं इस स्कूल का चपरासी हूँ, पर आप मारे से पूछने वाले होते कौन है? मेरा नाम तेजपाल है और मैं इस स्कूल का नया हेडमास्टर हूँ। हेडमास्टर सर, मारा नाम चपरासी, मारा नाम दयाराम है, मैं अट्ठे चपरासी हूँ, कमागड़ी। स्कूल क्यों बंद कर रखा है? अरे धीरे, आपकी आवाज सरपंच साहब के कान तक पहुंच गई ना, तो आप एक नए झमेले में फंस जाएंगे। झमेला? ये क्या होता भाई? नहीं समझे ना? बहुत अच्छा, ना समझिए तो ही अच्छा। सर मेरी मानिए, आप अपनी पोस्टिंग ना दूसरे गांव में करा लीजिए, ये गांव गांव ना है, जंगल है जंगल, और जंगल का शेर है सरपंच सा। सरपंच सा के हुकुम के बिना यहाँ ना पत्ता भी ना हिल सके है। आजकल उन्हीं के हुकुम से गांव वालों का कोई भी बच्चा अट्ठे पढ़ने ना आ सके है। देखिए हेडमास्टर साहब, अगर आपको भी ना मास्टरनी की तरह समाज सेवा का बुखार है ना, बुखार के मारा वचन ना है, सरपंच साहब समाज सेवा का बुखार ही कहे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के आपके स्टाफ में एक सहायक शिक्षिका है आशा जी, वो कहाँ है? सर मैडम जी का पता मनने ना है, सर उनका दो दिन से कहीं आता पता ना है, लेकिन घबराने वाली कोई बात ना है, इस गांव में जो भी गायब हो जाता है ना उसका कोई पता ना चले। अरे भाई पर हम तो सरकारी नौकर हैं, माहौल कैसा भी हो काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर हेडमास्टर साहब, जब कोई बच्चा स्कूल ना आवे है तो मास्टर बैठ के क्या करेंगे?
मन्ने पढ़ाएंगे ये भेड़ बकरियों को? देखो ये सरकारी स्कूल है, बच्चे आए या ना आए स्कूल तो खोलना ही पड़ेगा ना। यस सर, पर सर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझे कि मैं दयाराम तुम यहाँ खड़े होके इनसे बहस क्यों कर रहे हो और ये ताला क्यों नहीं खोला अभी तक? कुछ ना मैडम जी, वो ये अपने हेडमास्टर साहब, नए हेडमास्टर साहब खम्मा गड़ी। नमस्ते सर। आशा ताला खोलो और चलो अंदर। जी मैडम। आपके आने की खबर मुझे स्कूल के इंस्पेक्टर साहब से मिली, आप 3-4 दिन पहले ही आने वाले थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुझे ट्रांसफर लेटर मिल गया था, लेकिन जो हेडमास्टर आने वाले हैं उनको जॉइनिंग लेटर लेट मिला, इसलिए ऐसा हो गया। अब तुम तो जानती हो कि बिना चार्ज दिए तो मैं स्कूल कैसे छोड़ के आ सकता था। एनीवे, ये चपरासी क्या कह रहा था? क्या कह रहा था दयाराम आपसे? ये कि सरपंच जंगल पाड़े सर। जी मैडम जी, सर को मैं वही कह रहा था, इसमें डरने की कोई बात ना है। मतलब ये कि सरपंच सा तो दयाराम तो पानी रखो और जाओ। जी मैडम, सर पानी। अच्छा जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स स्कूल क्यों नहीं आ रहे। सर मैं बताती हूँ आपको, दयाराम सच कह रहा था, ये जंगल है और जंगल का शेर सरपंच। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है। अब क्या पता तुम सही हो या वो सही है, लेकिन जहां तक डरने और नहीं डरने का सवाल है ना, तो मैं नहीं डरूंगा। ना ना